Assalamu alaikum. I hope so you are fine and safe. In today's lecture, we will discuss about the entrepreneurship and its challenges. So basically, इस chapter में, इस lecture में हम लोग discuss करेंगे कि entrepreneurship क्या है और उसके क्या challenges हैं. सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे, हम define करेंगे what is entrepreneur and entrepreneurship, कि entrepreneur कौन होता है और entrepreneurship क्या है. Then we discuss about five rewards of being an entrepreneur. अगर आप entrepreneur हैं तो आपको क्या rewards मिलते हैं. Then we identify the challenges of being an entrepreneur. अगर आप entrepreneur हैं, means अगर if you are want to become an entrepreneur, what type of challenges you have to face in the market. And then we discuss why entrepreneurs are important for the वर्ल्ड एंड फॉर द पाकिस्तान सोसाइटी. अगर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, देखें एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या है, जॉब क्रिएशन है. अगर हम देखें ओवरऑल हमारी सोसाइटी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है. तो इसलिए अब हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी कोशिश कि हम स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएँ ताकि वो न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकें. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन है. An entrepreneur is someone who recognizes a business opportunity and organizes, manages, and assumes the risk of starting a business. Entrepreneur face many challenges, however, those who succeed see many rewards. So basically, जब हम बात करें entrepreneur की, तो entrepreneur क्या है? A person who recognizes a business. वो person जो सबसे पहले किसी एक business opportunity को recognize करता है, business opportunity को identify करता है, फिर उस opportunity को grasp करने के लिए ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और अज्यूम करता है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेगा, उसको मैनेज करेगा और रिस्क अज्यूम करेगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में कितना रिस्क रिक्वायर्ड है. और वो एंटरप्रेन्योर है जो कि सबसे पहले चैलेंजेस को फेस करेगा और जब वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने बिजनेस आइडिया को आगे लेके चलेगा तो उसको बहुत सारे रिवॉर्ड है. लाइक आपके सामने एग्जाम्पल है, अगर हम जैक मा की एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो जैक मा क्या है, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. बेसिकली उसने सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया अली बाबा के नाम से. And it takes years and years. And now he become the billionaire and richest person in the China. And in this chapter, the key concept that we will discuss about the entrepreneurship, rewards of entrepreneurship, challenges of entrepreneurship, and how the entrepreneurship has impact on small businesses. के entrepreneurship का small businesses के ऊपर क्या impact हो रहा है? सबसे पहले आ गया कि स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं. हम स्मॉल बिजनेस की जब हम डिफाइन करते हैं तो स्मॉल बिजनेस क्या है, एंड इंडिपेंडेंटली ओन बिजनेस दैट इज यूजुअली हैज द ओनर एज इट मैनेजर. जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की थी, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि आपका सिंगलली ओन पर्सन होता है जो कि उस बिजनेस को कैरी कर रहा होता है. तो स्मॉल बिजनेस बेसिकली वही आ जाते हैं कि जहाँ पे एक ही ऑनर होता है और वही उसको मैनेज कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल आप स्मॉल बिजनेस में अगर आप एक जनरल स्टोर भी ओपन कर रहे हैं दैट्स अ स्मॉल बिजनेस. ठीक है, आप एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो इज अ स्मॉल बिजनेस. आप एक अगर फ्लोर में लगा रहे हैं तो उसमें भी एक स्मॉल बिजनेस मैन है जो कि उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, एक ऑनर है और वही उसको मैनेज कर रहा है. फिर हम बात करते हैं वर्चुअल बिजनेस और डॉट कॉम कंपनीज, वो बिजनेस दैट ऑपरेट्स ऑन इंटरनेट मोस्टली. अब जैसे दराज डॉट पी के है, ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन बिजनेसेस. ई बे है, ऑनलाइन बिजनेसेस है. ठीक है, इसलिए अमेजोन है, ऑनलाइन बिजनेस है. तो ये तमाम क्या है, वर्चुअल बिजनेसेस हैं जो कि आपको ऑनलाइन तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. फिर हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु रिकग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइज, मैनेज, एज्यूम द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस. तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कहाँ से हुई भाई, सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है. अब अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, मार्केट सर्च करनी होगी. मार्केट सर्च करेंगे जहाँ से आप देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या ऐसी कौन सी सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड है जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके. तो वो क्या है, सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज द अपॉर्चुनिटी कि आपके पास क्या. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस इन रहीम यार खान, तो सबसे पहले यू हैव टू रिकग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी. क्या रहीम यार खान के अंदर वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्या रहीम यार खान के अंदर वो गैप है कि हम उस गैप को टारगेट कर सकें और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें. सबसे पहले आप उस गैप को आइडेंटिफाई करते हैं. जब आपको गैप पता लग जाता है कि अच्छा जी रहीम यार खान की मार्केट के अंदर ये सर्विसेज या ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे.
आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट, एक अच्छा सैर करने वाला स्पॉट नहीं है तो हम उसको बनाते हैं, या एक अच्छा सैनमा, 3D सैनमा नहीं है तो हम वो सैनमा बनाते हैं। अब वो सैनमा बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, फिर आप क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज को। अब उस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कैपिटल चाहिए होगा, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आप मैनेज करेंगे कि मैं किस टाइम पीरियड के लिहाज से इसको कैसे प्लान आउट करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, तो आप उसको मैनेज करेंगे। प्लस यू एज्यूम द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस, और प्लस आप साथ ये भी एज्यूम करेंगे अगर मैं ये 3D सैनमा रहीमिया खान के अंदर ओपन कर रहा हूँ, इसके साथ कौन से रिस्क एसोसिएट कर रहे हैं, और जब मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो उस टाइम, यानी कि जब मैं इसको प्रोसेस में ले आऊँगा तो उस टाइम कौन से रिस्क एसोसिएट कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप को चीज़ डिफाइन करके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना है, फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, फिर रिसोर्सेज को मैनेज करना है, और फिर आपने एज्यूम करना है रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस। फिर एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, जैसे हमने कहा मार्केट प्लेस टेस्टिंग है, गैदरिंग द रिसोर्सेज नेसेसिटी टू गो इनटू द बिजनेस, वही मैंने जैसे पहले बात की मार्केट प्लेस टेस्टिंग। आपको सबसे पहले मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको उस मार्केट सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए, उस इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए जिस इन्वायरमेंट से आप उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करें, उस गैप को आइडेंटिफाई करें। जब आप उस गैप को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब आप उस मार्केट प्लेस को अच्छी तरह समझ लेंगे, तब आप एक अच्छा आइडिया लेके आ सकते हैं। फिर आप उसी के लिहाज से रिसोर्सेज को गैदर करेंगे और आप फिर उस बिजनेस में एंटर होंगे। हम लोग कहाँ पे लैक करते हैं, हम कहते हैं ये एंटरप्रेन्योर बनना है, ये हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हम मार्केट स्टडी नहीं करते। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप रहीमयार खान की मार्केट को देखते हैं, तो सबसे पहले आप रहीमयार खान की मार्केट को स्टडी करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा गैप है जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है, और उस गैप को आपने आइडेंटिफाई करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैप्चर करना है। आफ्टर कैप्चरिंग दैट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, यू हैव टू ऑर्गेनाइज मैनेज द रिसोर्सेज एंड देन मूव टूवर्ड स्टार्टिंग दैट बिजनेस। फिर एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या, एडवेंचर इज अ न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग दैट इन्वॉल्व रिस्क। बेसिकली क्या है कि जब आप कोई एक न्यू वेंचर, कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होगा। फिर आते हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एज ए पर्सन एक एंटरप्रेन्योर की क्या पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हम देखते हैं द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड अ चेकलिस्ट टू हेल्प पीपल सी इफ दे हैव रिकमेंडेड ट्रेड फॉर अ कैरियर एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम आगे कुछ ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे, क्या आपके अंदर वो ट्रेड्स हैं जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। अब इस फिगर को देखते हैं, उसमें सबसे पहला जो ट्रेड आ रहा है दैट इज परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू वर्क अंटिल अ जॉब इज डन नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज। अब आपने सबसे पहली क्या है, आपके अंदर परसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आपने काम स्टार्ट किया नहीं कंप्लीट हो छोड़ दिया, नहीं। एंटरप्रेन्योर क्या होगा, उस काम को एंड तक लेके जाएगा और उसको कंप्लीट करेगा, बेशक उस पर जितना भी उसको टाइम लग जाए। फिर रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग क्या है, एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क बट दे आर नॉट रेकलेस। अब वो रिस्क तो लेते हैं, ये नहीं देखेंगे कि वो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे और रिस्क को भी लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। देन सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंटरप्रेन्योर्स बिलीव इन देमसेल्फ। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। इफ़ यू थिंक यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट यू देन यू बिकम एंटरप्रेन्योर। देन रेस्टलेस, अब वंस एंटरप्रेन्योर अचीव देयर गोल दे स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस। ये नहीं होता कि एक एंटरप्रेन्योर है, आपने एक चैलेंज अचीव कर लिया, अब आप वहाँ बैठ गए, नहीं, आप अपने आप को मूव ऑन रखते हैं, आप देखते हैं जैसे एक चैलेंज अचीव कर लिया, नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द न्यू चैलेंज, और उसको हमने फेस करना है, उसको हमने अचीव करना है, उसके गोल्स को अचीव करना है। फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा गोल हमने पहले डिफाइन किया कि गोल्स क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर भी अपने गोल्स को स्मार्ट रखते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलेवेंट, अटेनेबल एंड टाइम बाउंड, ताकि वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फिर आता है एक्शन ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योर्स आर डूअर्स इंस्टेड ऑफ स्पेक्टेटर्स, दे टेक एक्शन। एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वो काम करने वाले होते हैं, ये नहीं सिर्फ बातें करना। अब हमारी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हमने सर बिजनेस मैन बनना, अब बिजनेस मैन बनना इज अ डिफरेंट थिंग, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स। जो उस पर काम कर रहा है वो डूअर है, वो काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो सही एंटरप्रेन्योर है, वो एक्शन ओरिएंटेड है। फिर रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की, कि मैंने जो काम किया आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर मैंने कोई मिस्टेक्स किया आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर मेरे बिजनेस में सक्सेस आ रही है तो उसके भी मैं रिस्पॉन्सिबल। तो वो क्या है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर डूइंग एनी वर्क। फिर सेल्फ डिमांडिंग है, एंटरप्रेन्योर हैव हाई एक्सपेक्टेशन, खुद से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि मैंने ये चीज़ गोल को अचीव करना। वो क्या है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कर रहे हैं। फिर क्रिएटिव होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर न्यू वेज टू सॉल्व ओल्ड प्रॉब्लम्स, और पुरानी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो न्यू वेज फाइंड आउट करते हैं। तो क्या वो क्रिएटिव हैं, न्यू सोच लेके आते हैं अपने बिजनेस के अंदर। इंडिपेंडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर वांट्स टू मेक देयर ओन डिसीजन मेक। अब उसमें जहाँ पे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो रही है, जो एंटरप्रेन्योर है वो डिसीजन मेकर है, वो खुद से डिसीजन ले रहा होता है, खुद से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। इंक्यूसिटिव है, एंटरप्रेन्योर्स कंडक्ट रिसर्च एंड आस्क क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब रिसर्च करते हैं, फिर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो क्या आ गया, आप अपने आप से खुद से रिसर्च कर रहे हो, खुद से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, खुद से चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। फिर एंथुजियास्टिक होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या हैं, आर एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं अबाउट देयर परफेक्ट, उनको पता है कि वी हैव टू डू इट। तो अगर आपके अंदर ये तमाम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो यू कैन से दैट आई एम एंटरप्रेन्योर। मीन्स इफ यू आर परसिस्टेंट, इफ यू आर रिस्क टेकर, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, रेस्टलेस, गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ डिमांडिंग, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, इंक्लूसिव एंड एंथुजियास्टिक, देन यू कैन से दैट आई एम अ गुड एंटरप्रेन्योर।